तुम जितने देवी देवताओं को फूल चढ़ाते हो, कभी आप लोग पुष्प चढ़ाए होंगे देवी देवताओं को, तो अगर भगवान ऐसे बैठे हुए हैं मानो ऐसे, तो तुम फूल कैसे चढ़ाते हो? भगवान ये बैठे हैं सामने, तो तुमने जो फूल चढ़ाया, तो कई लोग फूल कैसे चढ़ाते हैं कि भगवान एक भाव से अगर भगवान का श्रृंगार करना है तो फूल सम्मुख, फूल की आकृति सामने। तो कई लोग कहते हैं कि हम भगवान को पुष्प समर्पित कर रहे हैं, भगवान को हमने पुष्प दिया। सारे देवी देवताओं का जो श्रृंगार होता है, सारे देवी देवताओं को जो पुष्प समर्पित किया जाता है, सारे देवी देवताओं का जो श्रृंगार किया जाता है, उसमें पुष्प भगवान अगर ऐसे हैं तो पुष्प आप भगवान के सामने इस तरह से रख देते हो, ऐसा चढ़ाते हो, नारायण को भी ऐसे चढ़ाओगे, लक्ष्मी को भी ऐसे चढ़ाओगे, राम को, कृष्ण को, ठाकुर को, सबको, जगदम्बा को। पर केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जिनको पुष्प बेलपत्र जो भी समर्पित करी जाती है वो भगवान शिव के ऊपर उल्टी समर्पित करी जाती है, क्योंकि ये आपका है और ये आपका समर्पण है। हमने ये आपको प्रदान कर दिया, ये आपको दे दिया पुष्प चढ़ाने का मतलब, और बेलपत्र चढ़ाने का क्या मतलब? बोलिए, आप भगवान को फूल क्यों चढ़ाते हो? अच्छे दिल से बोलो, बिल्कुल है, ऐसा मत सोचना कि कथा चल रही है, आप तो ये सोचो कि अपन आपस में बात कर रहे हैं। बहुत दिल से बोलो कि भगवान को फूल क्यों चढ़ाया जाता है? कभी पुष्प ने आपसे आकर कहा कि मुझे चढ़ाओ? अरे बोलो तो जम गए। भगवान को पुष्प क्यों चढ़ाया जाता है? किस लिए चढ़ा? भगवान खुश हो, ठीक है, और कोई उत्तर देगा? भगवान सुगंध के लिए, ठीक है, अपने आप को समर्पण करना। बिल्कुल सत्य बोले हैं, जोरदार ताली बजाइए, बहुत सुंदर बोले, बहुत बढ़िया। पुष्प चढ़ाना क्यों चढ़ाना? क्योंकि पुष्प के माध्यम से आप भगवान से कुछ कह नहीं सकते कि आपको क्या क्या चाहिए, पर ये पुष्प जब हम भगवान को समर्पित करते हैं तो ये फूल हमारी ओर से भगवान से निवेदन करता है, हे नाथ, हे शंभो, हे नारायण, जैसी मुझ में सुगंध है ऐसी ही जगत में इसकी सुगंध बनाए रखना जिसने समर्पित किया है। प्रभु जैसी मुझ में कोमलता है, जिसने आपके चरणों में समर्पण किया है उसमें उतनी कोमलता बनाए रखना। प्रभु जैसे मैं सुंदर हूं और आपके चरणों में आया हूं, ऐसी ही सुंदरता इसकी अपनी जिंदगी में बनाए रखना। जितना मुझ में रस है ऐसा ही रस तत्व इसमें बना कर रखना। आप इतनी बात भगवान से रोज नहीं कह सकते। एक वो कौन सा डे होता है रे बाबा, उसमें सफेद फूल दो तो सही मालूम पड़ जाता है, लाल फूल दो तो सही मालूम पड़ जाता है, भगवान जाने है, तो उसमें वो मुंह से बोला नहीं जाता, उससे फूल देकर समझ जाता है कि फूल का तात्विक अंश क्या। बहुत ध्यान देना, तो दुनिया के लोगों ने ये फूल को लिया तो पुराण से लिया कि फूल का मतलब क्या है, हम क्यों दे रहे हैं, और बिना कुछ बोले तो भी समर्पण हो गया। तो ना जी भर के देखा ना कोई बात की बड़ी आरजू थी मुलाकात की, ना कुछ बोले समर्पण, कुछ
बस समर्पण, केवल हम जान नहीं पाए। तो पुष्प यदि भगवान को दिया गया है तो उसमें हमारा समर्पण है, उसमें हम भगवान से प्रार्थना नहीं कर सकते, तो पुष्प हमारी ओर से प्रार्थना करता है। तो पुष्प चढ़ाने का तरीका होना चाहिए, पुष्प की जो ये डंडी है ये कभी भगवान की ओर नहीं होना चाहिए। किसकी ओर? जम के बोलिए, भगवान की। पुष्प की जो डंडी है वो हमारी ओर हो और पुष्प भगवान की ओर हो। पर दुनिया के लोग आज तक जितनी बार भी फूल चढ़ाए सब उल्टा ही चढ़ाए, डंडी भगवान की ओर रख देंगे और फूल का मुंह अपनी साइड कर देंगे। मतलब सुंदरता हमें दिखना चाहिए, भगवान को भले डंडी चुभती रहे। समर्पण अगर भगवान को कर रहे हो,